थोड़े नॉस्टैल्जिक हो रहे थे कि तूने आज मेरा दिन सफल कर दिया, मेरा पूरा लाइफ सफल कर दी, कि लोगों ने बहुत टॉन्ट मारे हैं और कि तू बच्चे की लाइफ बर्बाद कर देगा और तूने मेरे को आज प्राउड फील कराया। मेरे को पहले से ही पता था कि मैं इंपैक्ट प्लेयर खेल रहा हूँ, लास्ट सीजन में मेरे को बता भी देता कि 6-7 नंबर पर भी बैटिंग करेगा, तो प्रैक्टिस ऐसे करी। तो ऑफ सीजन में सारी प्रैक्टिस मैंने ऐसे ही की, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो से मेरे को ना स्वेटिंग बहुत होती है, तो बहुत बैटिंग करता था मैं बचपन में, तो मेरे ग्लव्स फट जाते थे, तो मेरे पापा ना उसको लेदर का पैच ला के ना लेदर का पैच सिलते थे, मेरे उस पर पैड फट जाते थे सिलते थे, क्योंकि इतना ये नहीं था कि आपके फट गए आप तुरंत ले आओ, पैसा वैसा क्या होता आते जाते रहेगा अगर तुम अच्छा खेलोगे। वो ये बिल्कुल कि इफ यू प्ले वेल रेस्ट विल फॉलो और लाइक एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, एवरीथिंग इन एस्पेक्ट ऑफ फॉलोअर्स लाइक एवरीथिंग, आप बस जाओ और अच्छा खेलो, अपना काम अच्छे से करो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। आप देख रहे हैं बीपी लाइव और स्पोर्ट्स लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, खुद ध्रुव जुरेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपके साथ। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है आईपीएल टूर्नामेंट 2023 में, मुझे याद है पिछले साल मेरी आपसे बात हुई थी, उस दौरान आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, कैसा लग रहा है अब आपको? मैं बहुत अच्छा लग रहा है, अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं थोड़ा टीम के लिए कुछ कर पाया, तो अच्छा जी फील हो रहा है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत स्पेशल मोमेंट था आपकी फैमिली के लिए भी, क्योंकि हमने देखा था जब आप सवाई मानसिंह स्टेडियम यानी कि राजस्थान रॉयल्स अपने घर पर खेल रही थी, आपके फैमिली मेंबर्स भी वहां पर थे, और जो नॉक आपने खेला था सीएसके के खिलाफ वो जबरदस्त था। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि उसके बाद आपके फादर भी आपसे कुछ कह रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे उस इनिंग्स के बाद। उन्होंने कहा था क्योंकि जो जर्नी रही है आपकी स्टार्टिंग से बहुत टफ जर्नी रही है और इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुंचना, उसके बारे में कुछ थोड़ा हमें बताइए एक्सपीरियंसेस। ये पहली बार ही था कि मेरी फैमिली ग्राउंड पे आई, मैच देखा, फिर मैं होटल आया, उनके रूम में गया, उनके पास बैठा, तो वही शेयर कर रहे थे कि मतलब वही थोड़े नॉस्टैल्जिक हो गए थे कि कैसे जर्नी स्टार्ट की थी, अब तू कहाँ पर है, और सब जी बैठे हुए थे साथ में, तो छोटी छोटी चीजें याद कर रहे थे, तेरे को ध्यान है कि तू ऐसे करता था, मैं तेरे को लेके जाती थी, ऐसे करके कुछ बात हुई, और वो थोड़े नॉस्टैल्जिक हो रहे थे कि तूने आज मेरा दिन सफल कर दिया, मेरा पूरा लाइफ सफल कर दी, कि जी लोगों ने बहुत टॉन्ट मारे हैं और कि तू बच्चे की लाइफ बर्बाद कर देगा और तूने मेरे को आज प्राउड फील कराया ऐसे। ध्रुव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2022 में भी राजस्थान रॉयल्स ने आपको पिक किया था, हालांकि उस दौरान खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन काफी कुछ सीखने का मौका मिला था आपको, आपने बताया था लास्ट कन्वर्सेशन में। लेकिन इस बार आप टीम के अंदर थे और मौका मिला, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए आपको खेलने के लिए, तो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि बहुत लेजेंड्स प्लेयर वहां पर थे, कुमार संगकारा एज अ कोच जुड़े हुए थे टीम के साथ, और संजू सैमसन एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बहुत सारे नाम, जॉस बटलर, युजवेंद्र चहल, कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था इस बार खेलने का? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो लास्ट सीजन में बेंच था वो तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखा, तो मेरे को लगता है वो बेनिफिशियल था कि मैं बेंच था और उस चीज को मैंने देख लिया था कि यहाँ पर कैसे चीजें चलती हैं, क्या एटमोसफेयर रहता है और कैसा स्किल सेट होता है, माइंड सेट कैसा होता है, उस चीज को मैं लेके गया कहीं ना कहीं, ऑफ सीजन में उस चीज का वर्क किया और उस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प किया मेरे को इस सीजन में। हाँ, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मैच के बाद जो है यंग क्रिकेटर्स जो होते हैं वो लेजेंड क्रिकेटर्स से बात करते हैं, चाहे एमएस धोनी हो, विराट कोहली हो, आपकी बहुत सारी तस्वीरें भी देखी हमने, आपने भी बातचीत की, और पिछले साल भी हमने देखा था कुछ फोटोज थी, लेकिन इस बार तो आप खुद बातचीत करते हुए नजर आए, क्या बातचीत हुई, क्या कुछ आपने उनसे सीखा एमएस धोनी से? वही कि स्किल सेट तो सबका सेम होता ही है, ज्यादा जो उस लेवल पे खेलना तो उस माइंड सेट का होता है कि तो माइंड सेट पूछता है कि इतना कंसिस्टेंट कैसे है और हमेशा ऐसे इतना कर कैसे रहते हैं, मतलब हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं चीजों को लेके अपनी, और वो बहुत 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 मुश्किल जॉब होती है कि आप 6-7 नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हो और एक क्रूशियल रन दे रहे हो अपनी टीम में, तो वही चीज पूछी मैंने, उन्होंने बताया कि ये कर सकते हैं और मतलब थोड़ी सिंपल चीजें बताई, क्योंकि वो बहुत बोरिंग चीजें होती है मेरे को लगता है, लेकिन धोनी धोनी आज इसलिए क्योंकि वो चीजों को बहुत कंसिस्टेंटली करते हैं और इस साल भी किया उन्होंने फिनिशिंग की, तो वही चीज मैंने पूछी कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं गेम कैसे आगे रखता हूँ, तो उन्होंने बताया कि तू ये कर, तो उस चीज से मेरे को बहुत हेल्प मिली और मैं आगे वाले मैचेस में भी अच्छा किया, तो उस चीज का बहुत वो था। आपकी वो नॉक बहुत स्पेशल थी पंजाब के खिलाफ जो खेली थी, लगभग लग रहा था कि मैच निकाल के ले गए थे वहां से, जिस तरीके से पंजाब ने एक बड़ा स्कोर 190+ खड़ा किया था और आपने चेस डाउन किया था वहां पे, आपके साथ पार्टनरशिप्स भी लगी थी,
उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत स्पेशल, क्योंकि बहुत नीचे आप खेलने आते हैं, नंबर 6 नंबर 7 पर, और आपने काफी समय भी दिया है अपने बैटिंग पर, प्रैक्टिस की है लगभग नेट्स में, और क्योंकि हमने सुना है संजू सैमसन भी कहते नजर आए उस मैच एनालिसिस पे कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे थे कि आपने अपनी बैटिंग पर बहुत काम किया है। आपको पता था कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर या नीचे, क्योंकि टीम जिस तरीके से स्ट्रेंथ है प्लेइंग 11 में, अपॉर्चुनिटी मिलना और उसके बाद बहुत कम बोले आपको खेलने की मिलेगी, और उसमें आपने इम्पैक्ट दिखाया पूरी तरह से। नहीं, मेरे को पहले से ही पता था कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहा हूँ। लास्ट सीजन में मेरे को बता भी दिया था कि 6-7 नंबर पे जो बैटिंग करेगा तो प्रैक्टिस ऐसे करिए। तो ऑफ सीजन में सारी प्रैक्टिस मैंने ऐसे ही की, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस से प्रैक्टिस की मैंने, और जो भी कर सकता था मैंने सब कुछ किया कि भाई मैं जी ऐसे की मैं की प्रिपेयर होकर ना जाऊँ, फिर मैं और रिग्रेट करूँ यार मैंने इस पर काम नहीं किया। सब कुछ हो गया था, जो भी मेरा इम्पैक्ट टाइम में हम सेकंड बैटिंग कर रहे थे तो मैं स्कोर बोर्ड को देख ही रहा था, मैं बैटिंग करने गया था। और सच में मेरे को कोई नर्वसनेस नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, जिसमें को पता था कि मैंने मेहनत की है और मैं करने वाला हूँ, कुछ तो करने वाला हूँ, तो बस हो गया वो। नहीं, तो कोई बदलाव आपसे जानना चाहूंगा, क्या बड़ा बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? लास्ट ईयर 2022 में जब मौका नहीं था, मिल रहा था, लेकिन टीम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब खेल चुके हैं और आगे बहुत कुछ आगे आने वाला है आईपीएल के। बदलाव ये है कि कॉम्पिटेंट फील कर रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। अब जो भी मैच होंगे या कुछ भी है, मतलब इतने प्लेयर्स के साथ खेला हूँ, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ माइंडसेट शेयर किया, तो मेरे को वो चीज है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है मेरे को इस चीज का, कि मैं एक वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड खेल के आया हूँ, जी और तो उस चीज का मैं डोमेस्टिक खेलूंगा जो भी करूंगा तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। आपकी शुरुआत जैसे हुई थी अंडर 19, अगर हम याद करें जिस तरीके से वर्ल्ड कप था, वाइस कैप्टन थे आप टीम के, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन थे, कमाल का परफॉर्मेंस था, जबरदस्त आपने 50 भी लगाई, उसके बाद हमने देखा आईपीएल में फ्रेंचाइजी ने आपको पिकअप किया और अब मौका दिया अपॉर्चुनिटी, जो बेस प्राइस था, लेकिन क्या आप लग रहा है कि आने वाले समय में उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपका परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार है। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। जब मैं जी आईपीएल खेला नहीं था तो मैं सोचता था कि भाई मेरे को फ्री में ही रख लो, मेरे को जी जी खिलाना ही मत बैठा दो, मेरे को कैसा फील होता है, मेरे को फील करना है। अब यहाँ पर बेस प्राइस में हो तो एक तो मैं सोचता नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा, बस ये है कि मेरे को अपना अच्छा गेम करना है, फिर पैसा वैसा क्या होता आता जाता रहेगा अगर तुम अच्छा खेलोगे। वो ये बिल्कुल कि इफ यू प्ले वेल रेस्ट विल फॉलो, और लाइक एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, एवरीथिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोअर्स, लाइक एवरीथिंग, आप बस जाओ और अच्छा खेलो, अपना काम अच्छे से करो, तो होगा सर वो हो गया। तो ध्रुव, अभी जैसे आईपीएल समाप्त हो चुका है, तो अब क्या डेली शेड्यूल है, अब क्या मतलब आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कैसे दिन गुजर रहा है, मतलब क्योंकि आने वाले समय में और भी मैचेस होंगे, तो अब कैसा शेड्यूल रहता है आफ्टर कंप्लीटिंग आईपीएल? तो शेड्यूल अभी तो बस 2 दिन मैंने रेस्ट किया था, फिर मैंने प्रैक्टिस में स्टार्ट हो गया, तो क्योंकि अब डोमेस्टिक सीजन आने वाला है और मेरे को अच्छा करना है, कंसिस्टेंट रहना, तो वही है कि सर कुछ अलग करना पड़ेगा तो ही आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, जब भी आपका नाम बनेगा। तो वही है कि बस अपने आप पे मेहनत कर रहा हूँ, जितना अच्छा हो सकूँ वो अच्छे होने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपसे एक मैं साथी खिलाड़ी के बारे में जानना चाहूंगा, यशस्वी जायसवाल, बहुत कमाल का क्रिकेट इन्होंने खेला, जबरदस्त इनकी भी जर्नी रही, काफी इंस्पायरिंग है, और अब WTC फाइनल आने वाला है 7 तारीख से, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने है, और वो भी टीम के साथ जुड़े हैं, उनके परफॉर्मेंसेस को आप क्या देखते हैं, क्योंकि साथी खिलाड़ी हैं, काफी क्रिकेट भी खेले हैं और इस बार उन्होंने जबरदस्त क्रिकेट भी आईपीएल के अंदर खेला। नहीं, वो मैं मतलब अंडर 19 से हम साथ खेल रहे हैं, जी जब से ही देख रहा हूँ, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, जो भी करता है मतलब बहुत मन लगा के करता है। जैसे हम बैटिंग कर रहे हैं, वो जाएगा कोचेस के पास, उनको और बैटिंग करनी है, तो वो दिख रहा है कि वो पहले तो ऐसे लगता था यार कितनी बैटिंग करता है, वो दिख रहा है कहीं ना कहीं कि वो देखो वो बैटिंग इसलिए कर रहा है कि वो कुछ अलग भी कर रहा है। वो बहुत मतलब है साथ का, लेकिन बहुत इंस्पायर करता है सच में, टू बी ऑनेस्ट, कि इतनी बैटिंग करना, और उसको वो दिखा भी रहा है कि देखो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं रन भी कर रहा हूँ, उसका कनेक्शन है। ऐसे नहीं कि मैं बैटिंग उसमें कर रहा हूँ और मैं रन नहीं कर रहा हूँ, वो ये वाली चीज है कि वो ये दिखाता है कि मेहनत से कुछ भी हो सकता है, और उसने करके भी दिखाया, जैसा वो सीजन गया है उसका। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जुबीन जी के अंदर भी ट्रेन किए हैं और उन्होंने भी आपको लेकर के बात कही कि भाई जो नॉक्स आपने देखी है सभी ने टेलीविजन स्क्रीन्स पर, या जो स्टेडियम के अंदर लोग मौजूद थे, जो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए या उसके बाद प्लेइंग 11 में आपको जगह मिली, तो उन्होंने कहा इसके पीछे बहुत जबरदस्त कहानी है, 5 5 6 6 घंटे आप डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करते थे, हजारों बॉले आपने फेस करी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऑफ सीजन में ना एक कोच हमारे जो वो हैं सर हैं जुबिन भरूचा सर, जी तो उन्होंने ना बहुत मेहनत करी है मेरे पीछे, मतलब मैं पूरा क्रेडिट उनको ही जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने पता है वो 2008 से फ्रेंचाइज के साथ है, और उन्होंने जितनी मेहनत करी है वो शायद किसी ने करी भी नहीं, उन्होंने मेरा गेम पूरा नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया।
उनका वो नहीं है कि क्वेश्चन देते हैं कि हाँ चल ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं रहते, तो मेहनत कर 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 वो वहीं खड़े रहते हैं एकदम, जी वो है कि बैठते नहीं गई भी, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो जो भी है मेरा आज उनकी वजह से ही, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। तो आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले सालों में जिस तरीके से आप जबरदस्त खेल रहे हैं इंडियन क्रिकेट में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज बन रही है, हमने देखा यशस्वी का नाम आया और इस सीजन में आपका भी नाम आया, लेकिन और भी खिलाड़ियों को मैं जिक्र करना चाहूंगा, नेहल वदेरा हो गए, तिलक वर्मा पिछले साल बहुत अच्छा खेले, इस साल भी बहुत अच्छा खेले, तो कई यंगस्टर्स जो है आपके साथ के जो खिलाड़ी है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और सब और चर्चा हो रही है, कैसा लग रहा है अब आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है, सब साथ में खेले हुए, सब ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सबको देखा है, सब टैलेंटेड थे वो कहीं ना कहीं अब क्लिक करके सब कुछ आ रहे हैं, कोई ट्रायल से आ रहा है, कोई डोमेस्टिक से आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो तो वही बड़ी अच्छी चीज लगती है क्योंकि इनफील्ड तो एक कंपटीशन रहता है, कैसे कंपटीटर होता है कि आपको कोई बॉल डाल रहा है, आप बैटिंग कर रहे हैं या आप अपोजिशन टीम में खेल रहे हैं, लेकिन बाहर की कहानी क्या रहती है वो भी दर्शक फैंस जानना चाहेंगे, कि जब आप बाहर होते हैं क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो उस दौरान भी क्या कंपटीशन होता है या नॉर्मल एज अ फ्रेंड सब मिलते हैं? सर कंपटीशन तो मेरे को लगता है अंदर भी नहीं होता, आपका कंपटीशन तो आपको आपके खुद से ही है कि आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, क्योंकि कोई किसी की जगह काटता नहीं है, अगर आप एकदम अपने आप से एकदम वो लॉयल रहे तो आपको खुद पता होता है कि मैं क्यों नहीं हूँ टीम में, मैंने जी कहा कुछ किया नहीं, क्योंकि आप रन करोगे तो आप क्यों नहीं होगे टीम में, होगे क्यों नहीं होगे, चाहे कोई भी हो, तो वही वाली चीज है। ऑन फील्ड और लाइक ऑफ द फील्ड भी कंपटीशन होता नहीं, चल रहता है, जस्ट वही है कि बस कंपटीशन इस चीज का है कि मैच जीतना है, कौन उस दिन अच्छी क्रिकेट खेलेगा। क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से जुड़ा हुआ है, आपके फादर जो आर्मी से जुड़े हुए थे और 1999 में कारगिल वॉर में भी थे, तो डिसिप्लिन तो शुरू से ही रहा होगा, पहले दिन से ही जिस तरीके से चाइल्डहुड रहा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब स्ट्रगल तो किया आपने, लेकिन फैमिली का किस तरह से सपोर्ट? वो यही सर, पापा आर्मी में थे तो हमेशा से डिसिप्लिन रहे, मतलब सुबह 5-6 बजे उठ जाना, जॉगिंग कर जाना, फिर मतलब मैं स्कूल में जाता सुबह 6 बजे, पढ़ाई करवाना, तो उससे मतलब वही है कि अब चाहते हुए भी इनडिसिप्लिन नहीं हो पाते, वो ये अब अगर इनडिसिप्लिन होना स्टार्ट हो तो थोड़ा गिल्ट सा लगता है कि क्या कर रहा है तू, ये है नहीं, क्योंकि आदत ही वही पड़ी हुई है बचपन से, तो क्रेडिट तो तो पापा को आप जाता है। अपनी डाइट में कुछ मतलब कुछ चीट डेज वगैरह होते हैं या प्रॉपर एक एथलीट एक क्रिकेटर के लाइफ में होता है ना एकदम फिट एकदम शेड्यूल के साथ रहना, लेकिन अब जैसे क्रिकेट नहीं है क्योंकि आप अब प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, तो अब थोड़ा बहुत होता है या अभी भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते हैं आप पूरा? बस स्ट्रिक्ट तो इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं होता, बस वो ये कि 2-3 चीजें होती है कि ऑयल नहीं खाना, ये नहीं खाना, और वो ये मतलब स्ट्रिक्ट ही मान लो उस चीज को, जिससे क्या कि परफॉर्मेंस पे कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन अभी मैं घर आया था तो मैंने चीट डे तो बेहतरीन किया, 2-3 दिन घर का जी, खाना क्योंकि लेकिन हम बहुत आपकी जिम टाइम में हो गया। तस्वीरें भी देखते हैं, आप ट्रेनिंग बहुत शानदार करते हैं, अच्छी खासी फिजिक भी आपने बनाई है, तो उसके लिए भी कई जो यंगस्टर्स हैं क्रिकेटर्स अंडर 14 अंडर 16 खेल रहे हैं, उसके लिए जरूर आपको देख के वो मोटिवेट होते होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अरे कुछ नहीं, बस जितना हो सके अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए डे बाय डे, और किसी को देखिए मत कि यार वो ऐसा है वो ऐसा, अपने आप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपने आप पे ध्यान रखोगे तो मतलब आप फिटनेस रख लो, या क्रिकेट अगर आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे क्रिकेट आपका ध्यान रखोगे, फिटनेस पे ध्यान रखोगे फिटनेस आपका ध्यान रखेगी, तो जी, ये कि अपने आप पे काम कीजिए। MS धोनी तो जैसे आपने बताया आपको आइडल थे ही, आपने मुलाकात भी की, तो उस दौरान विराट कोहली और साथ में रोहित शर्मा, उनसे भी बातचीत हुई होगी आपकी, उनके बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए, मिलके कैसा लगा? मैं बहुत अच्छा लगा उनसे बात की, मैंने तो उनसे गई बस वही माइंडसेट के बारे में पूछा था, तो उनसे पूछा कि कैसे आप वो हो, तो हमेशा से उन्होंने सिंपल ही चीज बताई है विराट भाई ने कि आप अपना गेम बचाने है, कि आप कैसे प्लेयर हैं, आप क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वही वाली चीज है, सबका अलग अलग होता है, अब जो आपको हेल्प कर जाए वो बेस्ट है, तो वो ट्राई करने की कोशिश करता है, वो हेल्प भी कर रही है यहाँ तक। हाँ, एक सवाल और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जर्नी जो है एज अ मिडिल क्लास बॉय देखें क्रिकेट में आना, क्योंकि एक्सपेंसिव गेम है, किट का इंतजाम करना, बैटिंग का करना, अब तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स भी जुड़ रहे हैं, उन दिनों को आप याद करते हैं जिस तरीके से स्ट्रगलिंग डेज रहे हैं, आपके फादर ने भी आपके साथ बहुत मेहनत की स्ट्रगल की, और अब जब वो मैच हुआ राजस्थान जब आप गए थे और मैच खेला आपने CSK के खिलाफ, उन्होंने आपसे कहा कि आपने दिल जीत लिया आज का मैच जीत करके, बहुत सारे लोगों के मुंह बंद कर दिया आपने इस मैच के बाद, और आपने भी कुछ शब्द कहे थे कि अभी जस्ट स्टार्ट है, उसके बारे में बताइए कि अब कैसा महसूस होता है? तो स्पॉन्सर्स की बात है तो मेरे को अभी तक याद है कि मतलब बचपन से ही एस जी एस एस से खेला हूँ, अब फिर वो स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरे को, क्योंकि मेरे को ना स्वेटिंग बहुत होती है, तो बहुत बैटिंग करता था मैं बचपन में, तो मेरे ग्लव्स फट जाते थे, तो मेरे पापा ना उसको ना लेदर का पैच ला के ना लेदर का पैच सिलते थे मेरे उस पर,
पैड फट जाते थे सिलते थे, क्योंकि इतना ये नहीं था कि आपके फट गए आप तुरंत ले आओ। तो वो ये एकदम पापा ना वो था ना आर्मी वाला सीन ना, एकदम डिसिप्लिन रखते थे मेरा किट विट बिल्कुल. सब कुछ, वो स्टिचेस वगैरह लगा, क्योंकि अफोर्ड तो नहीं कर सकते नहीं, लेकिन वो एकदम पूरा एकदम करते, मम्मी कपड़े धोना, मतलब बचपन में तो एक कोड होता है कि आपको व्हाइट ड्रेस पहन के जानी है, वो वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ थी नहीं, मम्मी धोती थी अपने मतलब पूरे कपड़े वपड़े। तो मतलब बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। जब मैं आता था डाइट के लिए प्रोटीन के, वो थे नहीं पता भी नहीं था प्रोटीन क्या होता है, तो वो सिल बटने पे बादाम पीसने रोज रोज उसके वो शेल वाले बादाम, जी तो जी बहुत सर बहुत सेक्रीफाइस हुआ है। मतलब आपको तो मैं ही दिखता हूँ, मतलब मैं ही दिख रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ परफॉर्म, लेकिन बैकग्राउंड में जो स्टोरी है जो जो मेरे रियल हीरोज है वो नहीं दिखते, लेकिन सबके सबसे बड़ा शाउट आउट तो उनको ही जाता है कि जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हुआ। हाँ, फैमिली ने तो सपोर्ट दिखाया और रंग भी अब बेहतर नजर आ रहा है उसका. लेकिन जो बेहतरीन इनिंग्स आपने इस आईपीएल के दौरान खेली है, कई लेजेंडरी क्रिकेटर्स चाहे हरभजन सिंह हो, एमएस धोनी हो, सबने आपकी तारीफ की है, कई जगह ट्वीट्स भी लगाए. तो उन ट्वीट्स को देख करके या इंस्टाग्राम पोस्ट पर देख करके जो शेयर किया स्टोरीज, वो कैसा आपको एक्सपीरियंस था? क्योंकि जिनको आप आइडल मानते थे, वो उनकी तरफ से प्रेज मिलना भी बहुत बड़ी बात है. सर बहुत अच्छा लगा, मतलब ट्वीट हुए मतलब हुए, लेकिन मैं अपने आप को समझा के रखता हूँ कि इस चीज से कैरिड अवे नहीं होना, जस्ट स्टार्ट यू गो यू हैव टू गो लॉन्ग वे, तो वही सटल रहना, क्योंकि आज तुम करोगे तो बोल लोग बोलेंगे अच्छा, कि नहीं करोगे तो बोले, तो वही कि अपना अपना काम पे काम रखना, वो चीजें तो होती रहेंगी। ये चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि ये चीज मैंने आपके अंदर देखी भी है. पिछले 1 साल से मैं नोटिस भी कर रहा हूँ, और बहुत सारे फैंस और जो यंगस्टर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, कई बार थोड़ी सी सक्सेस मिलती है तो फिर वो थोड़ा सा गुरूर भी आ जाता है कई क्रिकेटर्स के अंदर. तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं और इस पर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, वो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उन्हें. वही है कि सर अच्छा इंसान बनो, बस वही है कि चलो क्रिकेटर तो एक अलग चीज है कि आप अपने बारे में दूसरे जिस इंसान से बात कर रहे हो उसको क्या फील कराते हो, उसका तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, कि रूड है क्या है, मतलब क्या ही ज्यादा अच्छे से बात करने में, कुछ ज्यादा थोड़ी ना अच्छे से बात कर लो, क्योंकि हम लोगों को ना वो अंडर एस्टिमेट करता है कि ये है वो है, फिर वो अच्छा कर देता है फिर उसके पास आ जाता है, तो ये कौन सी चीज है, मतलब जी ट्रीट करो सबको अच्छी तरह से, क्योंकि हम क्योंकि मेरे को लगता है दुआओं से ना बड़ा कुछ नहीं होता, मेरी मम्मी ने हमेशा बताया कि मतलब दुआ लेके चलो सबकी, तो उससे क्या हो जाएगा अच्छे से बात करिए, तो मेरा यही रहता है कि सबको अच्छे से ट्रीट करना, क्योंकि वो ही है कि दुआ मिल जाएगी तो अच्छी है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से क्रिकेट खेलते रहें और इसी तरह से चमकते रहें, और आने वाले समय में हम आपको ब्लू जर्सी में देखें, इंडियन क्रिकेट टीम की नेशनल टीम में बेहतर आप परफॉर्मेंस करें. और ये होगा भी, क्योंकि जिस तरीके से आप क्रिकेट जर्नी आपकी रही है और आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर नेशनल टीम में भी जगह बनाएंगे. थैंक यू सो मच सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव हमारे साथ बातचीत करने के लिए और वक्त देने के लिए. उम्मीद करते हैं आगे फिर आपके साथ एक बार जुड़ेंगे और बात करेंगे.